एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, फिर हिस्ट्री क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क क्या है, ILO का ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन की। याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। काम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इवॉल्व करना, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाना, और उसके बेसिस पे दुनिया भर में जो लेबर हैं, काम करने वाले लोग हैं, और हर कोई ऑलमोस्ट अपने डेली मर्रा की ज़िंदगी में एक लेबर है। थोड़ा हाई लेवल का हो सकता है, कोई थोड़ा लो लेवल का हो सकता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कमा सकता है, कोई थोड़ा कम कमा सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? अक्टूबर 1919 में बना था, लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अंदर। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हुआ, उसके बाद जो इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई वो थी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना रहा। अभी के लिए देखा जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 187 मेंबर स्टेट्स हैं। टोटल 193 यूएन मेंबर्स में से 186 मेंबर्स तो आपका आईएलओ के मेंबर है, प्लस कुक आइलैंड। कुक आइलैंड यूएन मेंबर स्टेट नहीं है, बट वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 40 फील्ड ऑफिसेस हैं, लगभग 2700 स्टाफ को ये एम्प्लॉय करते हैं 150 नेशंस में, ठीक है। 900 लोग टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। अभी के लिए करंट डायरेक्टर जनरल कौन है आईएलओ के? गाय राइडर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। 1 अक्टूबर 2012 से लेकर अब तक ये डायरेक्टर जनरल हैं आईएलओ के। इंडिया के लेबर सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र, इनको इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टू जून 2021। ये वन लाइनर पीसीएस में पूछा जा सकता है। काम क्या है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना, एक ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसके हिसाब से दुनिया भर के लेबर्स को फ्रीडम मिल सके, इक्विटी मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, डिग्निटी मिल सके, यानी ऐसी वर्क कंडीशंस को बनाना ताकि जो भी लोग काम करें इन वर्क कंडीशंस के अंदर फ्रीडम के साथ, इक्विटी के साथ, सिक्योरिटी डिग्निटी के साथ काम करें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों 189 कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज है, लेकिन इनमें से 8 ट्रीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है अंडर द 1998 डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स टू वर्क। तो टोटल आईएलओ के कन्वेंशन और ट्रीटीज गिनोगे तो आप 189 है, जिसमें से 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कवर्ड है 1998 डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क के अंदर। ये जो कन्वेंशन एंड ट्रीटी है ये करते क्या है? तो भाई ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को प्रोटेक्ट करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं, फोर्स्ड और कंपलसरी लेबर को एलिमिनेट करते हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे। एक बात और बता दो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जो लेबर लॉज बनते हैं उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। देखिए, इंटरनेशनल लेबर लॉ को डिजाइन करने में आईएलओ का मेजर रोल है, और इस इंटरनेशनल लेबर लॉ के हिसाब से जो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज हैं वो अपने लेबर लॉ को डिजाइन करती हैं। ऑब्वियस बात है, जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं या फिर चाइना जैसी कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, एक टोटलिटेरियन रिजाइम है, डिक्टेटरशिप वाला माहौल है, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लेबर राइट्स पे वो थोड़ा कम फोकस करेंगे। फिर बात की जाए आईएलओ के स्ट्रक्चर की, तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है। ट्राईपार्टाइट मतलब तीन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई स्टैंडर्ड सेट करना है, जब भी पॉलिसी सेट करनी है, प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना है, तो तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से इनपुट्स लिए जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के भी होते हैं, जो भी आईएलओ के मेंबर स्टेट्स हैं उनके यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के भी होते हैं, एम्प्लॉयर्स मतलब जो लोग नौकरियाँ देते हैं, और जो लोग नौकरी करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के भी होते हैं। तो ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट मतलब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स उन कंट्रीज में जो लोग नौकरियाँ देते हैं, तो एम्प्लॉयर्स यानी नौकरी देने वालों के रिप्रेजेंटेटिव्स और नौकरी करने वालों के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तीनों मिल के बैठ के बातचीत करेंगे, स्टैंडर्ड्स पे डिस्कशन करेंगे और फाइनली अप्रूवल देंगे। तो तीनों के अप्रूवल के साथ ही कोई पॉलिसी स्टैंडर्ड या प्रोग्राम लेके आया जाता है आईएलओ में। और ये जो आईएलओ का फ्रेमवर्क है ये तीन मेन बॉडीज में मेंटेन किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये एनुअली मिलती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। गवर्निंग बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह काम करती है, आपके आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और बजट को डिसाइड करती है। और इंटरनेशनल लेबर
ऑफिस, ये क्या, ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो एडमिनिस्टर करता है ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी एक्टिविटीज़ को इंप्लीमेंट करता है। और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, इन तीनों में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं। इसीलिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर बोला जाता है आईएलओ का। पूरे यूएन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है और वो है आईएलओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। भैया आईएलओ के गोल्स क्या हैं? देखिए, पहली बात तो रिकॉग्निशन, क्या क्या इनाम मिले हैं आईएलओ को। 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला फॉर इम्प्रूविंग फैटर्निटी एंड पीस अमंग नेशंस, परस्यूइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस। तो आईएलओ को 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है वर्कर्स को वर्क जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए डेवलपिंग नेशंस को। फिर 2019 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क बनाया, जिसके बारे में एंड में मैं आपसे बात करूंगा। इस ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क ने 10 रिकमेंडेशंस दिए गवर्नमेंट को, ताकि 21st सेंचुरी में लेबर्स के सामने जो बड़े चैलेंजेस आके खड़े हुए हैं उनसे डील किया जा सके। तो इन 10 रिकमेंडेशंस में यूनिवर्सल लेबर गारंटी, यानी हर लेबर को काम मिलेगा, उनको सोशल प्रोटेक्शन उनके जन्म से लेकर बूढ़े होने तक, और एंटाइटलमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो मतलब जब तक वो काम करेंगे, और काम करने का मान लीजिए किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप, ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे एक कॉलिशन बनाया है यूएन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनईपी भी इसका मेंबर है, यूएनडीपी भी इसका मेंबर है। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का जो कॉलिशन है, जिसको आप बोलते हो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप, ये करता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में मदद करता है। इस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप जो कि कुछ यूएन ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है, उसमें आईएलओ भी एक मेंबर है। क्या काम है इस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करना। आईएलओ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने में मेजर रोल प्ले करता है। 1969 में पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज। 2019 में ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क बनाया। इस ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क ने 10 रिकमेंडेशंस दिए, इसमें यूनिवर्सल लेबर गारंटी, सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, एंटाइटलमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सब कुछ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। आईएलओ जैसा कि मैंने बताया था लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी की तरह बना था, ट्रीटी ऑफ वर्साइली 1919 के थ्रू बना था, और 1946 में यूनाइटेड नेशंस की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट डिप्रेशन जब आया 1930s में यूएसए में, उस समय पर लेबर राइट्स को बचाने में आईएलओ ने मेजर रोल प्ले किया। और साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड के खिलाफ, जो कि रेसिज्म के खिलाफ, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी तरखाट मचा रखा था, जो भी लोगों को परेशान कर रखा था, उसको ख़त्म करना, डीकॉलोनाइजेशन करना, तो डीकॉलोनाइजेशन और अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो लड़ाई थी, उसमें भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेजर रोल प्ले किया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स तीनों, ये मैं बता ही चुका हूँ। चार इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। बोल बच्चन क्या क्या है? डेवलप एंड एफेक्टुएट स्टैंडर्ड्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स नेटवर्क, ये बता दिया। टू इंश्योर मैन एंड वुमेन हैव इक्वल एक्सेस टू डिसेंट वर्क वाइल एनहेंसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेम, ये भी बता ही दिया। टू मैनिफाई द कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन ऑफ एवरीवन, बता ही दिया। टू स्ट्रेंथन ट्राइपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग, कुल मिला के चारों चीज़ें एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप चार अलग अलग अच्छे अच्छे पॉइंट्स में इनको लिख सको। अब वही बात है कि अगर इस तरीके के पॉइंट्स सेग्रीगेट करके आप यूपीएससी के एग्जाम में लिख देते हो तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंट्स जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो चार स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं चूंकि ये इतने ब्रॉड हैं। तो देखिए आईएलओ के फंक्शंस तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डिवाइस करना, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, सोशल और लेबर प्रॉब्लम्स को दूर करना, लेबर के इश्यूज़ को सही करना। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अब तक नहीं बताइए, ट्रेड यूनियंस एक बहुत पाइवोटल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईएलओ में पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूरो ऑफ वर्कर्स एक्टिविटीज़ है, तो जो आईएलओ का सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वहाँ पे ब्यूरो फॉर वर्कर्स एक्टिविटी है। ये ब्यूरो फॉर वर्कर एक्टिविटीज़ क्या करता है? इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियंस को ये स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि वर्कर्स के राइट्स
और इंटरेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिफेंड किया जा सके। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट वहाँ पे है ब्यूरो फॉर वर्कर्स एक्टिविटीज, और ये ब्यूरो फॉर वर्कर एक्टिविटीज स्ट्रेंथन करता है, आगे बढ़ाता है इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन को, ताकि ये ट्रेड यूनियन जिन जिन भी कंट्रीज में काम कर सकते हैं वर्कर के राइट्स को और इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके। अब बात करते हैं 1998 में आया हुए एक डिक्लेरेशन की, जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स एट वर्क। मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के अंदर 189 कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज है, जिसमें से 8 रिकॉग्नाइज किए गए हैं इस 1998 वाले डिक्लेरेशन के अंदर, और वो 4 बेसिक हेड्स के अंदर डिवाइस किए गए। ये 4 हेड्स कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसमें आता है कन्वेंशन 87 और 98। फिर एलिमिनेशन ऑफ फोर्स लेबर और कंपल्सरी लेबर, जिसके अंदर आता है कन्वेंशन 29 एंड 105। फिर एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, क्या आता है कन्वेंशन 138 एंड 182, इंडिया दोनों कर चुका है रेटिफाई। और फिर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, इसमें आता है कन्वेंशन नंबर 11 और कन्वेंशन नंबर 111। आगे देखते हैं, ये 8 के 8 कन्वेंशन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको कौन से कन्वेंशन याद रखने हैं, कौन से कन्वेंशन याद नहीं रखने हैं। देखिए, अब हो सकता है कि आपको ये ना याद रहे कि नंबर 29 फोर्स लेबर कन्वेंशन है, नंबर 105 एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन है, नंबर 182 वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है, लेकिन 29, 105, 100, 111, 138, 182, 87 और 98 29, 105, 100, 111, 138, 182, 87, 98 इतना तो आप याद कर ही सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इंडिया की बात की जाए, इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का मेंबर है 1922 से। इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में खोला गया 1928 में, और इंडिया और आईएलओ की जो मेंबरशिप है वो बहुत पुरानी है। इन 8 कोर फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशन में से इंडिया ने 6 को रेटिफाई किया है। किस किस को रेटिफाई किया है? कन्वेंशन नंबर 29 फोर्स लेबर कन्वेंशन, नंबर 105 एबोल्यूशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, 100 इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, 111 डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, फिर 138 मिनिमम एज कन्वेंशन, 182 वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, इसको इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है। अब अगर आपको इनके वर्डिंग ना याद रहे तो कन्वेंशन 138, कन्वेंशन 182, कन्वेंशन 111, कन्वेंशन 100, कन्वेंशन 105 और कन्वेंशन 29, इतना तो आप याद ही रख सकते हो। और अगर वर्डिंग्स याद रख सकते हो, फोर्स लेबर कन्वेंशन ये वाला, एबोल्यूशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन ये वाला, तो और अच्छी बात है। इंडिया ने 2 कन्वेंशन को साइन नहीं किए हैं, ठीक है, कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948-87 को साइन नहीं किया है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949-98 को साइन नहीं किया। इंडिया ने क्या रीज़न दिया है कि हमने नंबर 87 और नंबर 98 को नहीं साइन किया? देखिए, इंडिया में जो गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, वो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से बंधे हुए हैं। तो देश में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आज़ादी नहीं है कि वो पॉलिटिकल बातों पे अपने व्यू पॉइंट्स को दे सके, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सके, ये सब आज़ादी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं है। अब ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कोई राइट दे नहीं गया, बिल्कुल दिया गया। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लगता है कि रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को फाइल कर सकते हैं, बट ओपनली स्ट्राइक करना, ओपनली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा लेना, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मना करके रखी गई हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। अगर हम लोग कन्वेंशन 87 और कन्वेंशन 98 को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये आज़ादी मिल जाएगी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट को काम करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये आज़ादी नहीं दी गई है। फाइनली बात करते हैं 2019 में बना ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क। ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क को चेयर किया था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोवन ने। ह्यूमन सेंटर्ड एजेंडा है लोगों की कैपेबिलिटी को बढ़ाना और 21st सेंचुरी के हिसाब से बढ़ाना। देखिए, आईएलओ के कन्वेंशन है वो पहले बने थे तो अपने टाइम के हिसाब से बने थे, जैसे जैसे समय इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे चीज़ों को मैनेज करने का नज़रिया, चीज़ों को हैंडल करने का नज़रिया बदल रहा है। अभी उस केस में 21st सेंचुरी में जो फ्यूचर ऑफ वर्क है उसको एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा, जिसके लिए ग्लोबल कमीशन बनाया गया। तो भैया, नई टेक्नोलॉजी के आने से, क्लाइमेट चेंज से, डेमोग्राफी से, इसके लिए ग्लोबल कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पांस की जरूरत है इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, जिसके चलते जॉब लॉसेस हो रहा है, मशीनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते नौकरियाँ कम हो रही हैं।
तो यहाँ पे ये ग्लोबल कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस देता है। क्या रिकमेंडेशन देता है कि एक यूनिवर्सल लेबर गारंटी होनी चाहिए जो लेबर्स के फंडामेंटल राइट्स को बचाए, उनको एडिक्वेट लिविंग वेज दे, उनके नंबर ऑफ आवर्स जो दिन में काम करेंगे उसको लिमिट करे, सेफ और हेल्दी वर्क प्लेसेस हो, फिर इन लेबर्स को गारंटीड सोशल प्रोटेक्शन मिले बर्थ टू एल्ड एज, मतलब कि इनको बुढ़ापे तक जीने का अच्छा हिसाब मिले और इनके जो बच्चे हैं वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके लाइफ साइकिल में, फिर लाइफ लॉन्ग अर्निंग इनको प्रोवाइड की जाए और इनको इस बात के एवेन्यूज दिए जाएं कि जब ये काम ना कर पाए तो अपने स्किल्स के थ्रू ये आगे आने वाले जो एम्प्लॉयज है उनको स्किल कर सके, उनको स्किल प्रोवाइड कर सके। तो ओवरऑल लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गिग इकोनॉमी में एक दिहाड़ी मजदूर से काम करवाया पैसा देके उसको भेजते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं तो इनका काम लॉन्ग टर्म है, इनके पास काम मिलता रहेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हम कर रहे हैं उसके चलते जॉब लॉस हो रहा है, बट टेक्नोलॉजिकल चेंज को कुछ इस तरीके से किया जाए कि जॉब लॉस उतने मैसिव स्केल पे ना हो, डिजिटल फील्ड में लेबर्स को और नौकरियां मिले, ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स हो ग्रीन और रूरल इकोनॉमीज में, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए जाए जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को नौकरियां मिले। तो ये रिकमेंडेशन हैं ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों, ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क के रिकमेंडेशंस को याद रखिएगा। इंडिया ने कौन से कन्वेंशन ज्वाइन कर रखे हैं, कौन से कन्वेंशन नहीं ज्वाइन कर रखे हैं, जो नहीं ज्वाइन कर रखे हैं उनको क्यों नहीं ज्वाइन कर रखा है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय।